नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में बेकसूर व्यक्तियों की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक को पीएसयू में लेने के फैसले को नामंजूर करते हुए विरोध जताया। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन ने डोगरा शोर स्मारक अम्फला जम्मू में 26/11 हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोपियन एनकाउंटर में शहीद हुए सेना जवान नायक नजीर अहमद को कुलगाम में अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर उनके घर वाले भी मौजूद थे। एमएलए लंगेट इंजीनियर रशीद ने श्रीनगर में जेके बैंक हेड ऑफिस के बाहर धरना देते हुए प्रेस से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि गवर्नर अपने दायरे से बाहर जाकर फैसले ले रहे हैं और बताया कि जेके बैंक की ऑटोनॉमी को खत्म करने और पब्लिक सेक्टर में लाने से आम कश्मीरियों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को काफी मात्रा में पॉपी स्ट्रॉ के साथ मौके पर गिरफ्तार किया। फिल्म कश्मीर द फाइनल रेजोल्यूशन, जिसकी शूटिंग अभी वादी कश्मीर में हो रही है, फिल्म के एक्टर्स द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, जिसमें एक्टर युवराज कुमार और रिपी कोल ने फिल्म की विशेष जानकारी दी। थांगटा गेम्स मणिपुर में गोल्ड मेडल जीतने वाले दोनों युवा आदित्य जम्वाल और हनी कुमार आज जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारतीय आयन के आर्टिकल 370 के खिलाफ हाल ही में दर्ज की गई पिटीशन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने बताया कि पिटीशन को इम्प्लीडमेंट फाइल दर्ज करानी होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26/11 हमले के 10 साल होने पर बताया कि 26/11 हमले के गुनहगारों को सजा दी जाएगी, जिन बेकसूर लोगों की जानें गई हैं उनको भी इंसाफ दिया जाएगा। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि 26/11 मुंबई हमले की खौफजदा तस्वीर हमारे दिमाग में अभी तक बसी हुई है। जनता दल यूनाइटेड के स्टेट प्रेसिडेंट जीएम शाहीन ने आज जम्मू राजभवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने गवर्नर से मिलकर राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव कराने की मांग की, जिस पर गवर्नर ने सहमति जताई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि एनडीए सरकार जम्मू कश्मीर के साथ आर्जी और तजुर्बाती तौर पर बर्ताव कर रहा है, जिस वजह से रियासत जम्मू कश्मीर कई साल के लिए पिछड़ चुका है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने बताया कि वो गवर्नर की असेंबली डिसॉल्व करने के फैसले पर कोर्ट नहीं जा रही है। कश्मीर में हुई सिविलियन किलिंग्स के खिलाफ आज कश्मीर वादी में बंद का माहौल देखने को मिला।